कर दी थी मेरा बच्चों को लेकर के। बिल्कुल तो बिल्कुल। बता ना इतनी आई हो। नहीं 18 अक्टूबर भवानी खेड़ा पीड़िता आई जिसने ये बताया कि उसके साथ 18 अक्टूबर को रेप हुआ था, सामूहिक बलात्कार हुआ था, घर के ही सदस्य ने मिलकर उसका रेप किया था। उसके उसी की उन्होंने FIR भी कंप्लेन भी करा दी, सारी चीज़ें हो गई थी, पॉक्सो में मुकदमा भी दर्ज हो गया था। बच्ची उसके 2 दिन बाद जब विद्यालय पहुंची तो विद्यालय में मना कर दिया गया उसे आने से, और उसके लिए बोला गया कि आप विद्यालय मत आइए, अभी थोड़े दिन का आप ब्रेक लीजिए, हमारा विद्यालय का माहौल ख़राब होगा। उसे बोला गया कि आप दिसंबर में आना, हम आपको दिसंबर में बता देंगे आपको आगे क्या करना है। बच्ची ने जब दिसंबर में फ़ोन किया विद्यालय में तो उसे पता चला, उसे वहाँ से ये जवाब मिला कि आपका नाम काट दिया गया। तो बच्ची के बिना इन्फॉर्मेशन के, बच्ची को बिना जानकारी के उसका नाम काट दिया गया। जब हमने प्रिंसिपल से बात करी इस संदर्भ में तो प्रिंसिपल ने बोला कि बच्ची 4 महीने से आ नहीं रही थी इसलिए हमने उसका नाम काट दिया। हमारा क्रॉस क्वेश्चन ये था कि आपने बच्ची का नाम जब काटा तो क्या आपने PTM में पेरेंट्स को बुलाया या बच्ची को बुलाने के प्रयास किए, आपकी तरफ से क्या प्रयास रहे? उन्होंने हमें इस संदर्भ में कोई जानकारी दी नहीं। बच्ची से जब बात करी गई वापस हमने कि भाई आपकी प्रिंसिपल ने ये बोला है, आपका क्या मत है, तो बच्ची ने बोला कि सिंपल उसे ये बोला गया कि हमारे विद्यालय का माहौल ख़राब हो रहा है और आसपास जो हमारे जो दूसरे बच्चे जो पढ़ रहे हैं उनके अभिभावक हमें फ़ोन करके कह रहे हैं कि इस बच्चे को यहाँ पर विद्यालय में नहीं बैठने दिया जाए, इसलिए हमने उसे मना किया, ये बच्ची ने हमें बोला। और बच्ची को भी ये प्रशासन की तरफ, स्कूल प्रशासन की तरफ से बोला गया। आगे क्या बच्ची पढ़ पाएगी या नहीं पढ़ पाएगी? बच्ची के साथ सर डबल यातना हुई, हमें दोहरी यातना झेल रही है बच्ची, शारीरिक पीड़ा तो उसे हुई थी और अब मानसिक यातना भी उसे दी जा रही है, उसका भविष्य खराब करा जा रहा है। लेकिन हम बाल कल्याण समिति बैठी बच्चों के राइट्स के लिए, बच्चों के सर्वोत्तम हित के लिए, तो हमने जिला शिक्षा अधिकारी को एक लेटर लिखा है, कलेक्टर साहब को CC दी है, कॉपी दी है उसकी हमने, और बच्ची से भी बात करी है, बच्ची पढ़ना चाहती है, बच्ची की 10th में परसेंटेज बहुत अच्छे थे, 79% उसने मुझे बताया, तो बच्ची पढ़ने में अच्छी है, एकेडमिक्स अच्छा है उसका, तो हमारी पूरी कोशिश है कि बच्ची का साल बर्बाद ना हो जी। हमने आज डालसा बात करी है, जिला विधिक प्राधिकरण में हमने आज बात करी है, बच्ची को लेके हम वहाँ प्रस्तुत होंगे, बात करेंगे, बच्ची को वहाँ प्रस्तुत करी जाएगी। रामपाल जी से मैंने बात करी कि किस तरह से हम उसे और विधिक सहायता दिला सकते हैं। पीड़ित पत्रकार भी उसे भी मिला नहीं है, पीड़ित पत्रकार की भी हम बात करेंगे। और कोशिश हमारी है कि जब पूरक परीक्षाएँ होती है 12th बोर्ड की, उसमें बच्ची को सारी एग्ज़ाम्स परीक्षाएं हो जाए उसकी, तो बच्चे का साल बच जाए। मैडम कौन सी स्कूल है और कहां पर स्कूल है ये? ये स्कूल सर है, मैं बताती हूँ आपको, एक में एकेडमी सीनियर सेकेंडरी स्कूल चाचियावास जी मैम। इस स्कूल से ये बहुत मतलब संवेदनशील विषय है और ये दुर्भाग्य रहा कि जहां पॉक्सो एक्ट को लेकर इतनी सजगता है सब जगह, स्कूल में भी बताया जाता है कि किस तरह से बच्चों को गाइड करना है, बच्चों को गुड टच बैड टच के बारे में बताना है, बच्चों से किस तरह से बात करनी है, बच्ची को जहाँ पर अच्छा व्यवहार मिलना चाहिए था, संवेदनशील व्यवहार मिलना चाहिए था, वहाँ बच्चे के साथ ये चीज़ हुई। इसमें कुछ धमकियाँ भी मिली क्या? नहीं, कोई धमकी नहीं मिली, बस स्कूल प्रशासन ने पल्ला झाड़ लिया। स्कूल प्रशासन के खिलाफ अब क्या कार्रवाई रहने वाली है? मैं और हमारे जो सदस्य, हम तो ये चाह रहे हैं कि जहाँ शिक्षा के मंदिर में इस तरह की चीज़ हुई है, जहाँ बच्ची ने 12th बोर्ड का फॉर्म भर दिया, फॉर्म भरने के बाद भी उसे शिक्षा से वंचित रखा गया, वो एग्ज़ाम नहीं दे पाई, सद्गुरु इंटरनेशनल स्कूल पृथ्वीराज नगर ऑपोजिट पंचशील ए ब्लॉक अजमेर, जहां पढ़ाई के साथ साथ प्री प्राइमरी से ही स्टेज अपीयरेंस की ट्रेनिंग दी जाती है जिससे उनका स्टेज फियर बहुत कम एज में ही दूर हो जाता है। एडमिशंस ओपन फ्रॉम नर्सरी टू 10 9773 26213। यार बच्चे के लिए ऐसा स्कूल तलाश रहा हूँ जहाँ बच्चा स्टडी करे और साथ में उसे सभी स्पोर्ट्स फैसिलिटीज भी मिले। अपने बच्चे के लिए सतगुरु इंटरनेशनल स्कूल चुनो, स्टडी के साथ साथ यहाँ इवनिंग में नेशनल लेवल के कोचेस द्वारा स्विमिंग, बैडमिंटन, लॉन टेनिस, टेबल टेनिस, बास्केटबॉल जैसे स्पोर्ट्स की ट्रेनिंग दी जाती है। अरे वाह, सतगुरु इंटरनेशनल स्कूल पृथ्वीराज नगर ऑपोजिट ए ब्लॉक पंचशील अजमेर।